अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम बैक टू द बायोलॉजी एमसीक्यू सीरीज़। जैसे कि आपको मालूम है कि हम किंगडम एनिमिलिया के डिफरेंट टॉपिक्स के एमसीक्यू जो हैं वो डिस्कस कर रहे हैं। तो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे जी क्लास रेपिटीलिया के डिफरेंट कंसेप्ट से, जो डिफरेंट एमसीक्यूज लिए गए उनके राइट ऑप्शन आपके साथ डिस्कस करेंगे, और जो ऑप्शन इनकरेक्ट होंगे वो आपको वो भी बताएंगे कि वो इनकरेक्ट क्यों है। चलिए शुरू करते हैं जी। सबसे पहले हमारे पास एमसीक्यूज नंबर 1 है, व्हाट इज़ द करैक्टरिस्टिक फीचर ऑफ स्किन इन क्लास रेपिटीलिया। क्लास रेपिटीलिया की स्किन का करैक्टरिस्टिक फीचर क्या है? मॉइस्ट एंड स्मूथ होती है, रफ़ कॉर्निफाइड या फिर ड्राई होती है, स्लाइमी होती है या फिर वेब्ड होती है। तो मॉइस्ट एंड स्मूथ और स्लाइमी जो है ये हमारे पास जो एम्फीबियंस के जो हैं वो एम्फीबियंस की स्किन के जो है वो करैक्टरिस्टिक फीचर हैं, और रेप्टीलिया में हमारे पास रफ़ कॉर्निफाइड और ड्राई स्किन होती है जो इसको जो है वो लैंड पर रहने के लिए जो है वो हेल्प देती है और अवे फ्रॉम द वाटर करती है। नेक्स्ट है हमारे पास एमसीक्यू नंबर 2 है, हाउ मैनी चैम्बर डू द हार्ट ऑफ रेप्टीलिया टिपिकली हैव। हार्ट ऑफ रेप्टीलिया में टिपिकली कितने जो है वो हमारे पास चैम्बर्स होते हैं? 2, 3, 4 और 5। तो इसमें इनकम्प्लीट या फिर टिपिकली 4 जो है वो चैम्बर्ड होते हैं। आर्टरिया जो है वो कम्प्लीटली जो है वो उसमें डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं, जबकि इनकम्प्लीट डिवीजन होती है वेंट्रिकल की। तो इस तरह जो है वो 4 इसमें जो है वो हमारे पास जो है वो चैम्बर्स होते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास एमसीक्यू नंबर 3, विच ग्रुप विद इन द क्लास रेपिटीलिया हैव कम्प्लीटली 4 चैम्बर्ड हार्ट। कम्प्लीट 4 चैम्बर्ड हार्ट जो है हमारे पास किस क्लास में, किस ग्रुप में होता है? स्नेक्स में होता है, टर्टल्स में होता है, लिजर्ड्स में होता है या फिर क्रोकोडाइल्स में? तो क्रोकोडाइल्स में हमारे पास जो है कम्प्लीटली 4 चैम्बर्ड जो है वो हार्ट होता है, यानी वेंट्रिकल की जो है वो कम्प्लीट डिवीजन होती है, आर्टरिया भी कम्प्लीटली डिवाइड होते हैं। तो यहाँ पर डेल्टा ऑप्शन जो है वो राइट होगा। नेक्स्ट है जी हमारे पास एमसीक्यू नंबर 4 है, रेप्टाइल्स आर क्लासिफाइड एज इंडोथर्मिक, पोइकिलोथर्मिक यानी एक्टोथर्मिक, होम्योथर्मिक, हेट्रोथर्मिक। तो यहाँ पर सबसे पहले हम देख लेते हैं टर्म्स की जो है वो मतलब क्या है। इंडोथर्मिक वो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो अपनी इंटरनल हीट से जो है वो अपना टेम्परेचर जो है वो मेंटेन कर सकते हैं। पोइकिलोथर्मिक या एक्टोथर्मिक वो होते हैं जो अपना टेम्परेचर विद द चेंज इन द टेम्परेचर ऑफ इन्वायरमेंट अपना टेम्परेचर जो है वो चेंज करते रहते हैं। होम्योथर्मिक जो है वो हमारे पास जो है टेम्परेचर जो है वो एक जैसा रखते हैं, जबकि हेट्रोथर्मिक जो है वो टेम्परेचर को चेंज करते रहते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास बीटा जो है वो राइट ऑप्शन होगा। पोइकिलोथर्मिक या कोल्ड ब्लडेड भी इनको जो है वो हमारे पास जो है कोल्ड ब्लडेड ऑर्गेनिजम्स भी जहाँ पर इनको कहा जाता है एक्टोथर्मिक होते हैं। बीटा ऑप्शन यहाँ पर जो है राइट है, तीनों टर्म्स में से कोई भी पूछा जा सकता है एग्जाम में। नेक्स्ट है हमारे पास एमसीक्यू नंबर 5 है, व्हाट इज़ द रिप्रोडक्टिव मोड इन मोस्ट रेप्टाइल्स। मोस्ट रेप्टाइल्स में हमारे पास जो है वो रिप्रोडक्टिव मोड क्या है? वीवी पैरस होते हैं, ओवी पैरस होते हैं, ओवो वीवी पैरस होते हैं या फिर एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होती है? तो इनमें हमारे पास जो है इंटरनल फर्टिलाइजेशन होती है, और मोस्टली जो है वो एग लेइंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं यानी ओवी पैरस होते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास एमसीक्यू नंबर 6 है, व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ द लेदरी और लाइमी शेल इन रेप्टाइल एग। यानी हमारे पास हार्ड शेल का जो है रेप्टाइल एग में क्या पर्पस है? अट्रैक्शन ऑफ द मेट्स, प्रोटेक्शन, न्यूट्रिशन या फिर रेस्पिरेशन। तो इसका हमारे पास हार्ड जो शेल होता है, लेदरी शेल होता है, उसका मतलब होता है कि प्रोटेक्शन, हार्श इन्वायरमेंट से जो है वो अंदर जो एम्ब्रियो है एग के उसको बचाया जा सके, और इसके लिए इसके पास जो है वो एमनियोटिक फ्लूड भी होता है जिसमें जो है वो एम्ब्रियो जो है वो ग्रो करता है। तो बीटा ऑप्शन यहाँ पर जो है वो राइट है। नेक्स्ट है जी हमारे पास एमसीक्यू नंबर 7 है, वो हाउ आर द एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन्स नेम्ड इन रेप्टाइल। तो एम्ब्रियोनिक जो मेम्ब्रेन्स होती हैं एमनियोटिक फ्लूड के साथ, सॉरी अराउंड एम्ब्रियो जो मेम्ब्रेन्स होती हैं एग में, उनको क्या नेम्स हैं? मीजोडर्म, इंडोडर्म, एक्टोडर्म। तो ये हमारे पास ट्रिप्टोब्लास्टिक की लेयर्स होती हैं, लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन की, और इसमें जो है वो ऑप्शन बी है एमनियन, एलेंटॉइंस या फिर क्रायोन्स। ऑप्शन सी है एपिडर्मस, डर्मस, हाइपोडर्मस। तो ये हमारे पास स्किन की होती हैं, मेडुला, कोर्टेक्स, कैप्सूल। तो यहाँ पर हमारे पास जो है बीटा ऑप्शन जो है ये हमारे पास राइट है, ये एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन्स के नाम हैं जो रेप्टाइल एग में पाई जाती हैं, एमनियन, एलेंटॉइंस, क्रायोन्स। तो इनमें हमारे पास एमनियन में जो है वो एमनियोटिक फ्लूड होता है जो एज अ पोल एक्ट करता है, और इसमें जो है वो हमारे पास जो है एज अ पोल एक्ट करता है और पॉन्ड एक्ट करता है, और उसमें जो है वो एम्ब्रियो जो है वो
ग्रो करता है और उसको न्यूट्रिशन मिलती है। तो बीटा ऑप्शन यहाँ पर जो है वो राइट है एमसीक्यू नंबर 7 का। नेक्स्ट है जी हमारे पास एमसीक्यू नंबर 8 है, व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ हाइबरनेशन इन रेप्टाइल्स। हाइबरनेशन का पर्पस क्या है रेप्टाइल्स में? रिप्रोडक्शन है, प्रोटेक्शन अगेंस्ट प्रीडेटर्स है, सर्वाइविंग हार्श विंटर कंडीशन है, या फिर मेटामॉर्फोसिस है। तो हाइबरनेशन जो होती है वो डीप स्लीप होती है, और रेप्टाइल्स एम्फीबियंस जो होते हैं वो हार्श विंटर कंडीशन में डीप स्लीप में चले जाते हैं सॉइल में, और इस तरह जो है वो हार्श विंटर कंडीशन से जो है वो बच जाते हैं, अपने आप को सर्वाइव कर लेते हैं। तो चार्ली ऑप्शन यहाँ पर जो है वो राइट होगा। नेक्स्ट है जी हमारे पास एमसीक्यूज नंबर 9, व्हाट एवोल्यूशनरी अडैप्टेशंस अलाउ रेप्टाइल्स टू लिव अवे फ्रॉम वाटर। कौन सी ऐसी एवोल्यूशनरी अडैप्टेशंस हैं जिन्होंने रेप्टाइल्स को अर्थ पर यानी वाटर से अवे रहने के लिए जो है वो अलाउ किया? मॉइस्ट स्किन, लिम्स फॉर रैपिड लोकोमोशन, ड्राई स्किन, या फिर गिल्स फॉर रेस्पिरेशन। तो इसमें जो है वो गिल्स भी नहीं होते रेस्पिरेशन के लिए, लिम्स भी नहीं होते रैपिड मूवमेंट के लिए, और मॉइस्ट स्किन भी नहीं होती, बल्कि इसमें ड्राई कॉर्निफाइड स्किन होती है, रफ़ स्किन होती है, जो इसको अवे फ्रॉम द अर्थ रहने पर जो है वो अलाउ करती है। तो चार्ली ऑप्शन यहाँ पर जो है वो राइट होगा एमसीक्यूज नंबर 9 का। नेक्स्ट है हमारे पास एमसीक्यूज नंबर 10, विच ऑफ़ द फॉलोइंग इज़ नॉट एन एवोल्यूशनरी अडैप्टेशन इन क्लास रेपिटीलिया। पहले उसने पूछा था कि कौन सी एवोल्यूशनरी अडैप्टेशन है, अब वो पूछ रहा है कि कौन सी जो ऑप्शन है इनमें से कौन सी ऐसी ऑप्शन है जो एवोल्यूशनरी अडैप्टेशन नहीं है क्लास रेपिटीलिया की। तो ड्राई स्किन, रफ ड्राई स्किन, ये भी हमारे पास राइट है, ये भी होता है। लिम्स बेटर सूटेड फॉर रैपिड लोकोमोशन, गिल्स फॉर रेस्पिरेशन, और सेपरेशन ऑफ ऑक्सीजनेटेड एंड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड इन द हार्ट। तो लिम्स भी होते हैं यहाँ पर हमारे पास, और इसके अलावा सेपरेशन ऑफ ऑक्सीजनेटेड एंड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड भी होता है। तो गिल्स यहाँ पर जो है वो नहीं होते, तो चार्ली ऑप्शन यहाँ पर जो है वो राइट होगा। गिल्स जो हैं रेस्पिरेशन के लिए वो हमारे पास जो हैं वो फिशेज में होते हैं और लार्वल स्टेज ऑफ एम्फीबियंस में होते हैं। तो यहाँ पर चार्ली ऑप्शन जो है एमसीक्यूज नंबर 10 का वो राइट बनेगा। नेक्स्ट है हमारे पास एमसीक्यूज नंबर 11 है, विच स्ट्रक्चर प्रोवाइड्स अ मूवेबल नेक इंडिपेंडेंट ऑफ द बॉडी इन रेप्टाइल। तो कौन सी स्ट्रक्चर जो है वो मूवेबल नेक जो है वो प्रोवाइड करती है जो बॉडी से इंडिपेंडेंट होती है रेप्टाइल्स में? लिम्स, क्लॉज, स्कल एंड एमनियन। तो हमारे पास जो है नेक जो है वो हेड के साथ यानी स्कल के साथ अटैच होती है, तो स्कल जो है इसकी वो मूवेबल नेक प्रोवाइड करती है, और इसकी जो है कंप्लीट ऑसिफिकेशन होती है, स्कल की जो है वो हमारे पास जो है कंप्लीट ऑसिफिकेशन होती है, जिसकी वजह से जो है मूवेबल नेक प्रोवाइड होती है और वो फीडिंग में जो है वो हेल्प देती है। नेक्स्ट है जी हमारे पास एमसीक्यूज नंबर 12, लास्ट एमसीक्यूज है, व्हाट डिस्टिंग्विशेस रेप्टाइल फ्रॉम एम्फीबियंस इन टर्म ऑफ रिप्रोडक्शन। तो कौन सी चीज़ जो है रेप्टाइल्स को एम्फीबियंस से जो है वो इन टर्म ऑफ रिप्रोडक्शन डिस्टिंग्विश करती है? इंटरनल फर्टिलाइजेशन, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन, वीविपैरिटी, ओविपैरिटी। तो हमारे पास जो है दोनों ही एग लेइंग होते हैं, एग लेइंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं, ओविपैरस होते हैं। एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन जो है ये हमारे पास एम्फीबियंस में होती है, बॉडी के बाहर जो है वाटर वगैरह में जो है वो हमारे पास फर्टिलाइजेशन होती है, स्पर्म और एग मिलते हैं, जबकि हमारे पास रेप्टाइल्स में जो है वो इंटरनल फर्टिलाइजेशन होती है। तो अल्फा ऑप्शन यहाँ पर जो है वो राइट होगा। तो दोस्तों यहाँ पर हमारे पास तमाम तरह एमसीक्यूज जो हैं क्लास रेपिटीलिया के वो कंप्लीट होते हैं। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको वीडियो पसंद आई होगी, वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर लें और साथ बेल आइकन को प्रेस कर लें। इस वीडियो में इतना ही मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।